Mr. Tehsin? Mr. Tehsin, जाइए अपने बेड पर सो जाइए। मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि आपके बच्चे ऐसा कहें कि हॉलिडे पर एक हफ्ते साथ रहने के बाद भी अब भी आप मेरे साथ मेरे घर में हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इससे क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी पीठ पीछे बातें बनाएं। जो भी तुम्हारी पीठ पीछे बात करेगा मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ करके मुझे मुश्किल में मत डाल देना तुम। पर अदालत, मैं भी मुश्किल में हूं। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे एहसास के बिना कैसे जीऊंगा मैं? ये आंखें, ये होठ, ये जिस्म। बस हो गया, रहने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुहान ने अभी अभी मुझसे अच्छे से बात करनी शुरू की है, मैं नहीं चाहती कि इस बात से वो नाराज हो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है चलने दो। तुम डिनर के लिए क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे सबके सामने नहीं आना था। तुम्हें डर लग रहा है क्या? तासिन कोलुदाग से डर रहे हो तुम? सिरीन, बस करो प्लीज। लेकिन क्यों? हाँ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। चाय दे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम्हारे पापा स्विट्जरलैंड ना कोई अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए गए थे और ना ही हॉलिडे के लिए। देखो कितना बड़ा फॉर्च्यून है ये, हमने जितना सोचा था उससे काफी बड़ा है ये। बंद करो। सुहान है। पापा भी आ गए। तहसीन आ गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने इसे अभी तक निकाला क्यों नहीं? मैं इसे देखना नहीं चाहता। मैं सच कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम पर उस घोड़ी की जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता अगर सुहान को कुछ हो जाता। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। मिस्टर तहसीन रुक जाइए, कमाल की कोई गलती नहीं है। सिरीन चुप रहो। प्लीज इसे मत निकालिए, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तो फिर तुम भी उसके साथ चली जाओ। हा? मैं फिर इसे इस घर में नहीं देखना चाहता, समझ में आया? कमाल, कोई बात नहीं सिरीन, मुझे पता था यही होगा। पापा, पापा प्लीज कुछ कीजिए पापा। तहसीन कोलुदाग के खिलाफ मैं क्या बोलूं, मुझे लगता नहीं वो मेरी बात सुनेंगे, कभी भी नहीं। वो सुहान की बात जरूर सुनेंगे। सिरीन रुक जा, उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपना सामान बांधकर निकल जाता हूं। किमाल, किमाल!